हेलो, नमस्कार। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कार्बन फुटप्रिंट उसके स्कोप 1, स्कोप 2 एंड स्कोप 3 इमिशंस पे डिपेंड करता है। अगर इमिशंस हमें फिगर आउट हो जाए, देन वी कैन से अंडर दिस स्कोप इमिशंस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रिड्यूस्ड। स्कोप 1, स्कोप 2 एंड स्कोप 3 इमिशंस क्या है, आइए देख लेते हैं। स्कोप 1 इमिशंस, या इसे हम डायरेक्ट इमिशंस भी बोलते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का इमिशंस डायरेक्टली ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन है तो वो स्कोप 1 इमिशंस कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का व्हीकल मूव कर रहा है तो उस व्हीकुलर सोर्स से क्या इमिशंस हो रहे हैं, दैट कम्स अंडर स्कोप 1 इमिशंस। ऐसे सिमिलरली अगर उसका पावर प्लांट है तो वो भी इसी कैटेगरी में रखा जाए। स्कोप 2 इमिशंस, या इसे इनडायरेक्ट इमिशंस भी कहते हैं। दीज आर इमिशंस फ्रॉम द जनरेशन ऑफ परचेज इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम, हीटिंग या कूलिंग कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे स्कोप 2 इमिशंस कैटेगरी में रखेंगे। अगर एग्जांपल के रूप में अगर हम कहें कि एक कोई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बाय करती है पावर ग्रिड से, सो इमिशन प्रोड्यूस्ड इन द जनरेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कंसिडर्ड एज स्कोप 2 इमिशंस। स्कोप 3 इमिशंस, इसे हम वैल्यू चेन इमिशंस भी कहते हैं। दीज आर ऑल द इनडायरेक्ट इमिशंस दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन स्कोप 2 इमिशंस दैट अकर्स इन द वैल्यू चेन ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी, इंक्लूडिंग बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में हम कहें कि अगर कोई कंपनी आउटसोर्स करती है ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन किसी दूसरी कंपनी से और इम्प्लाई ट्रेवल करते हैं, सो इमिशंस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो स्कोप 3 कैटेगरी में आएगा। इट रिक्वायर्ड ए थोरो एग्जामिनेशन ऑफ योर वैल्यू चैन इंक्लूडिंग बिजनेस ट्रेवल, वेस्ट डिस्पोजल एंड यूज ऑफ सोल्ड प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। थ्रू नोइंग द इमिशंस फ्रॉम द स्कोप वाइज, हम ये भी कर सकते हैं कि हमें कहाँ एनर्जी इफिशंसी लगा के इमिशंस को कम करना है और अपने बिजनेस को आगे ले जाना। अगर ट्रांसपेरेंसी है रिपोर्टिंग में तो ये बिल्ड करेगा ट्रस्ट बिटवीन स्टेक होल्डर, एम्प्लाइज एंड मैनेजमेंट, और हमारे बिजनेस को सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे ले जाएगा। थ्रू एस्टिमेटिंग द स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 इमिशंस वी कैन गेट द रिडक्शन कि हमें किस स्कोप में काम करके एनर्जी इफिशंसी करके उस स्कोप के इमिशंस को रिड्यूस करना है और हमारा ब्रॉडर वे में एक सस्टेनेबिलिटी गोल अचीव हो जाएगा। इसके थ्रू हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूटेशन बनेगी, कॉस्ट सेविंग, प्रोडक्शन कॉस्ट सेविंग होगी, और जो इन्वायरमेंटल रूल्स टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं उनको हम फुलफिल कर पाएंगे और कंज्यूमर्स की फर्स्ट प्रेफरेंस बनेंगे। तो हमने देखा कि स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 इमिशंस के थ्रू हम कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन पे काम कर सकते हैं और सस्टेनेबल गोल अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।